आपके यहाँ का, लेकिन पीछे जो सिस्टम होता है हम लोगों का वो यहाँ कतई नहीं था, तो इसलिए हमने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो हमेशा के लिए वीडियो बन जाता है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक वो वीडियो रहेगा, इसलिए हमने उनको यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया था। और ये जो दूसरे भैया हमारे हैं दुल्हापुर से, मैंने कल भी कहा था उनके यहाँ भागवत का कार्यक्रम हुआ है, पप्पू भैया दिमाग से निकल जाता है, पप्पू भैया हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ पर आई हैं, वो भी अभी सम्मानित किए हैं। बिहारी जी आपका सुहाग हमेशा अटल बनाए रखे, आप धर्म के रास्ते पर चलते रहे, मेरा यही आशीर्वाद माँ समान भाभी के लिए है। बोली वाह के बिहारी लाल की जय हो। ध्यान देना अपने भक्तों, 54 वर्ष व्यतीत हो गए पानी नहीं बरसा, और जब पानी नहीं बरसा तो एक बात कही अनसुईया से, अनसुईया प्यास लगी है कहीं से पानी लेकर के आओ, और जब इतना सुना कि प्यास लगी है तो प्रिय भक्तों ध्यान रखना, अनसुईया ने वो कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके पानी लेने के लिए चली, लेकिन कहीं भी उन्हें पानी नजर नहीं आया, पानी नजर नहीं। जब दूर दूर तक नजर की पानी नहीं दिखाई दिया, विचार किया कि हम खाली कमंडल कैसे ले जाएं, तो अनसुईया बैठ गई। बादल न हुआ नहीं घटा गिरी, बिजली चमकी नहीं अंबर में, भर गया कमंडल पल भर, वो गंगा जी साक्षात सामने प्रकट हो गई माँ अनसुईया की, और वो कमंडल जो था वो कमंडल पानी से भर गया, देखते देखते भर गया। अनसुईया ने नेत्र खोले तो सामने माँ गंगा दिखाई दे रही है, मैया ने कहा, माँ अनसुईया ने कहा, बोले माँ मैं धन्य हो गई हूँ आपका दर्शन करके, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहते हैं। कहा कहिए, आप थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाए, क्यों? क्योंकि हम अपने पति को भी आपका दर्शन